डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। सो एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी लीडर कौन होगा? जो ओनर और कोई एक लीडर होगा। सो एक कंपनी का लीडर एक हो सकता है, पर मैनेजर बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक एक कंपनी का लीडर वन, पर मैनेजर लाइक डिपार्टमेंट। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकता है, पर डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर भी हो सकता है। तो एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर, एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर, ठीक है, पर लीडर वन। सो लीडर ज़रूरी है। ओके, सो लीडर एक कंपनी के लिए एक, पर मैनेजर मे बी मोर देन वन हो सकता है, ठीक है। ओके, लीडर क्या करता है? लीडर सिर्फ डिरेक्शन देता है, तुम ये करो ये करो, ठीक है। और मैनेजर क्या करता है? उस डिरेक्शन के लेके वो प्लान करता है, क्योंकि लीडर जैसे बोल देता है कि तुम ये करो, बस वो डिरेक्शन लेकर मैनेजर प्लान करते हैं कि वो कैसे करेगा, वो कैसे कहाँ पे इन पैसा इन्वेस्ट करेगा, और वो उसका ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। ये सब मैनेजर देखता है, पर लीडर वो जस्ट डिरेक्शन देता है। ओके, एंड लीडर क्या करता है? लीडर जो मैनेजर होता है वो सबको मोटिवेटेड करता है। मतलब लीडर एंड टॉप लेवल मैनेजर और सीईओ, इधर इस इन लोगों को वो मोटिवेट करता है कि तुम ये करो तो ऐसा प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मैनेजर क्या करता है? मैनेजर उस ऑर्गेनाइजर में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जो एम्प्लॉय है उसको कैसे काम करना है ये बोलता है, और उसको डिरेक्शन देता है। ओके, सो लीडर सेट ऑल डिरेक्शन, सॉरी, लीडर सेट डिरेक्शन बट मैनेजर प्लान डिटेल। ओके, सो एक डिरेक्शन देते रहे, उसके थ्रू से ये प्लान करता है, ठीक है। ओके, सो ए लीडर इन्फ्लुएंस हिज सबऑर्डिनेट टू अचीव गोल। ए मैनेजर इज ऑपरेशन हु एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि एक लीडर मोटिवेट करता है कि कैसे गोल को अचीव कर सकता है, ठीक है, और उसका सीईओ और टॉप लेवल मैनेजर को, एंड मैनेजर क्या करता है? टोटल मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, देन लीडरशिप इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल बट मैनेजर इज ए ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ओके, सो नेक्स्ट इज लीडर फोकस ऑन पीपल बट मैनेजर फोकस ऑन पर्सन एंड प्रोडक्शन। ओके, एंड लीडर एलिगेंट पीपल, मैनेजर ऑर्गेनाइज पीपल। लीडर नॉट नीड टू बी मैनेजर, ठीक है। अगर एक कंपनी है, एक कंपनी पे लीडर को मैनेजर को जरूरत नहीं होता सब ऑलवेज, ठीक है। सो एक कंपनी विदाउट मैनेजर हो सकता है, बट विदाउट लीडर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैनेजर को ऑलवेज लीडर का ज़रूरत होता है, क्योंकि मैनेजर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एक डिसीजन लेने के लिए ऑलवेज लीडर को ही चाहिए। तो लीडर क्या करता है? मेनली लीडर एक डिसीजन को लेता है, उसको मैनेजर का देता है, तो मैनेजर उस डिसीजन के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो लीडर हैव टू प्रेजेंट इन कंपनी बट मैनेजर मे बी और मे बी नॉट। ओके, सो लीडर इज इंडिपेंडेंट, जैसे कि लीडर कुछ भी कर सकता है, पर मैनेजर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन लीडर। ओके, जैसे कि ऐसे बहुत सारे हैं लीडर एंड मैनेजर, तो आप खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही दे सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।